बीजेपी में दरार की अटकलों के बीच जेडीयू ने एक बार फिर से अपने अगले विस्तार के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना से इनकार कर दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह लल्लन ने कहा कि पार्टी नीतीश कुमार के रुख पर कायम रहेगी। 2019 में नीतीश ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था क्योंकि बीजेपी ने प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के बजाय कैबिनेट में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की उनकी मांग को खारिज कर दिया था। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जिस दिन जेडीयू का ये बयान आता है उस दिन नीतीश कुमार पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना से संक्रमित हुए, लगातार वो बीमार रहे। अब इस दौर में ये एक संयोग है कि वो दिल्ली नहीं जा सके। लंबी यात्रा के बजाय उन्होंने स्थानीय स्तर पर अपनी गतिविधियों को जारी रखा। इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है। जो नीति आयोग को लेकर और उसके फैसलों को लेकर जो बिहार की जिम्मेवारी है उसका निर्वहन बिहार सरकार करेगी। लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं। बहुत लोग बहुत तरह के कयास लगा रहे हैं। अब राष्ट्रपति जी के भी विदाई समारोह में नहीं गए और ओथ सेरेमनी में भी नहीं गए, शपथ ग्रहण समारोह में, फिर नीति आयोग की बैठकों में नहीं गए। अब क्यों नहीं गए, क्या है बात, ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी बताएंगे, लेकिन दूरियां दिख रही हैं। ये कयास लग रहे हैं कि कहीं न कहीं गठबंधन के गांठ ढीली हो रहे हैं।